हाय नमस्कार दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है फिर से हेल्प टू एवरीवन चैनल में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जो भी मेरे साथ नए जुड़े हुए हैं वो लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको हमेशा अपडेट मिलता रहे जॉब से रिलेटेड, जो चाहे प्राइवेट से हो या गवर्नमेंट से हो। किसी भी तरह का जॉब का नोटिफिकेशन होगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे और आप लोग मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरे समझ में आए और एक एक प्रोसेस को बताएंगे। तो इसीलिए आप लोग पूरे लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों के बीच में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन जो आया हुआ है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, ठीक है, IFSCA के लिए से आई हुई है वैकेंसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है ये। गुजरात गांधीनगर के लिए ये वैकेंसी निकली हुई थी उस समय, बट ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट इसमें फिलअप कर सकते हैं। इंगेजमेंट ऑफ प्रोफेशनल कंसल्टेंट ग्रेड 1, कंसल्टेंट ग्रेड 2 इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी IFSC ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखी जाएगी। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट निकली हुई है तो हम यहाँ पे दिखाएंगे आपको रोल जो रहेगा सो, और उसका एक्सपीरियंस कितना जरूरत है और क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, स्किल में भी मांगा गया है। तो उसके बाद नंबर ऑफ पोजीशन बताएंगे, ठीक है। तो आपको कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी बताने के लिए क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, तो इसीलिए आप लोग लास्ट तक देखते रहिएगा। फर्स्ट जो है प्रोजेक्ट मैनेजर कंसल्टेंट ग्रेड 2 के लिए जो है फाइनेंस टेक्निकल के लिए चाहिए। इसके लिए जो मिनिमम एक्सपीरियंस जो है 8 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 15 ईयर्स। इस दोनों के बीच में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप लोग एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। प्लस में अगर बीटेक किए हुए हैं तो कर सकते हैं अप्लाई। उसके बाद जो आपके पास जो जॉब डिस्क्रिप्शन जो स्किल होना चाहिए, टीम मैनेजमेंट होना चाहिए, स्किल सेट्स होना चाहिए, कोऑर्डिनेट विथ फिनटेक होना चाहिए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आना चाहिए और ओवरऑल मॉनिटरिंग इन ग्राउंड पोर्टफोलियो आपके पास अगर एक्सपीरियंस है इसके बारे में तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो नंबर ऑफ पोजीशन 1 है। उसके बाद जो है एनालिस्ट टेक्नो बिजनेस कंसल्टेंट ग्रेड 1 के लिए जो पोस्ट आई हुई है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे उसके लिए जो है आपका मिनिमम जो एक्सपीरियंस जो मांगा गया 3 ईयर्स और मैक्सिमम 8 ईयर्स आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है, जिसके लिए BE, BTEC एंड MBA फाइनेंस होना चाहिए। और इसमें जो है आपका क्वालिफिकेशन जो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्नोलॉजी लाइक ब्लॉकचेन, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, AI, ML, साइबर सिक्योरिटी एस्पेक्ट ETC। उसके बाद है अप्रिसिएशन ऑफ हाउ फिन टेक एंड स्टार्टअप्स ऑपरेट इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट मार्केट फिट ETC। ये सारी चीज़ में एक्सपीरियंस है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है थर्ड में जो है आपके पास टेक्नोलॉजी एनालिस्ट आर्किटेक्ट कंसल्टेंट ग्रेड 1 के लिए फाइनेंस टेक के लिए जो कि 3 ईयर्स में मिनिमम एक्सपीरियंस मांगी गई है और मैक्सिमम 8 ईयर्स एक्सपीरियंस मांगी गई है। इसमें जो है BE, BTEC IT सॉफ्टवेयर में हो आपका तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको ब्लॉकचेन का एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, ये सब सारी चीज़ आप देख लीजिएगा। इसमें एक्सपीरियंस हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए एक पोस्ट है। उसके बाद ग्रांट एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर के लिए पोस्ट है, जिसके लिए मिनिमम 3 ईयर्स और 8 ईयर्स एक्सपीरियंस होना जरूरी है। इसमें जो है क्वालिफिकेशन जो है CS, CA, CMA, LLB अगर किए हुए इसमें से किसी भी एक ट्रेड से आपका ग्रेजुएट कंप्लीट हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिसके लिए जो रिक्वायरमेंट जो स्किल टेस्ट स्किल जो होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट, पार्टनिंग ऑफ लोन्स, ग्रांट सेक्शन, ये सब सारा आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यंग प्रोफेशनल के लिए एक पोस्ट है, जिसके लिए कम से कम आपका एक्सपीरियंस 1 साल का और मैक्सिमम 3 ईयर्स का होना चाहिए, जिसके लिए BE, BTEC एंड MBA भी चाहिए उसके साथ। अगर ये सब किए हुए हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यंग प्रोफेशनल सुपर टेक्निकल के लिए जो चाहिए, इसके लिए जो है 1 पोस्ट है, जिसके लिए BE, BTEC CSE से होना चाहिए या MBA होना चाहिए। इसके लिए 1 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम है और 7 ईयर्स मैक्सिमम एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके बाद इसमें जो आपका डिजायरेबल जो स्किल मांगा गया है, एंड टू एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफ द सुपर टेक प्रोजेक्ट होना चाहिए, एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग एजिले मेथडोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट होना चाहिए आपके पास। अगर स्किल है ये सब तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यंग प्रोफेशनल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक पोस्ट है, जिसके लिए BE, BTEC आपको CSE या तो IT में होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसी के हिसाब से आप आगे देख सकते हैं, यंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए भी एक पोस्ट निकाली गई, जिसके लिए मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस और मैक्सिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें मास्टर डिग्री विथ स्पेशलाइजेशन इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए या इकोनॉमिक्स से या फाइनेंस एंड अकाउंटेंसी से होना चाहिए। अगर है आपके पास तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, या CA भी किए हुए तो आप कर सकते हैं इसमें। उसके बाद जो है कंसल्टेंट ग्रेड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए जो ग्रेड 1 के है जो डिपार्टमेंट लिए है, जिसके लिए 2 पोस्ट निकाली गई है। इसके लिए मिनिमम 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस और मैक्सिमम 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है, जिसमें मास्टर डिग्री होना चाहिए और इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या नहीं तो इकोनॉमिक्स
या फाइनेंस एंड अकाउंटेंसी, या तो सी ए, सी एफ ए, सी एस, सी डब्ल्यू, ये सारे डिग्री है आपके पास। अगर किसी एक डिग्री से आप क्वालिफाई किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। आपका स्किल जो जरूरत है वो देख सकते हैं इसमें आगे। उसके बाद जो यंग प्रोफेशनल फाइनेंस एंड अकाउंटेंट्स के लिए जो है एक पोस्ट है जिसके लिए मिनिमम जो है क्वालिफिकेशन 1 ईयर्स और मैक्सिमम 3 ईयर्स मांगी गई है एक्सपीरियंस। इसके लिए जो है क्वालिफिकेशन सीए विथ बैचलर डिग्री इन कॉमर्स होना चाहिए। आपके पास ये सारा स्किल होना चाहिए जो रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग एंट्री ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑन डेली बेसिस, ये सारी चीज़ आपके पास होना चाहिए। उसके बाद एज लिमिट जो रखी गई है यंग प्रोफेशनल के लिए 32 ईयर्स मैक्सिमम एज रखी गई है, और इसकी सैलरी जो रहेगी अप टू 60,000 रहेगी। कंसल्टेंट ग्रेड 2-1 के लिए जो है 45 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। सैलरी जो है 80,000 to 1.4 लाख 4-5 लाख 45,000 सैलरी रहेगा। उसके बाद कंसल्टेंट ग्रेड 2 के लिए जो 50 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है जिसकी सैलरी जो रहेगी 1,45,000 से लेकर के 2,65,000 तक रहेगी। तो ये जो पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रहेगी अप टू 3 ईयर्स बेस्ड ऑन द एनुअल परफॉर्मेंस के हिसाब से रहेगी, ठीक है। उसके बाद आपको छोड़ने से पहले 15 डेज लीव ऑन प्रो डाटा बेसिस रहेगी आपके लिए, ठीक है। उसके बाद एकोमोडेशन सारा चीज़ दिया जाएगा। ए पर्सन अपॉइंटेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वुड नॉट बी एबल टू इंटेंड रेजिडेंशियल एकोमोडेशन, ऑफिशियल ट्रांसपोर्ट, लीव इनकैशमेंट और एनी अदर अलाउंसेज, ये सारा चीज़ नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शन दिया है कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में दिया गया है कि अप्लीकेशन विच आर इनकम्प्लीट और रिसीव्ड आफ्टर द प्रिस्क्राइब डेट विल नॉट बी कंसिडर्ड। जो भी लोग अप्लाई करेंगे वो डेट से पहले भेजेंगे और अनफिल्ड आप फॉर्म को नहीं भेजेंगे। जो भी फील्ड है उसको रिक्वायरमेंट को फिल करना है। उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन जो रहेगी विल बी इंटरव्यू बेस्ड रहेगा। उसके बाद राइट टू मॉडिफाई सिलेक्शन प्रोसीजर इफ डीम्ड फिट। उसके बाद कैंडिडेट शुड हैव सेटिस्फाइड देमसेल्फ अबाउट देयर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट अप्लाई फॉर द अथॉरिटी शैल डिटरमाइन देयर एलिजिबिलिटी एंड ओनली एलिजिबल कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे उन्हीं को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद आप लोग का फाइनेंस के लिए आगे प्रोसीड की जाएगी। चलिए ये सब तो आप देख लीजिएगा, उसके बाद आगे देखते हैं कैसे अप्लाई करना है। ये जो है कैंडिडेट हु सेटिस्फाई द एलिजिबिलिटी नॉर्म्स मे अप्लाई गिविंग देयर बायोडाटा स्ट्रिक्टली इन द फॉर्मेट गिविंग बिलो। जो बायोडाटा दिया गया उस पर आप लोग को अप्लाई करना है। इसके वेबसाइट पे जाकर के आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। हम उसको डिसीजन बॉक्स में दे देंगे इसका वेबसाइट का लिंक, ठीक है। अप्लीकेशन एलॉन्ग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है सारा चीज़ लगा करके इसको भेजना होगा। ऊपर फॉर्म के ऊपर लिखना होगा अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ यंग प्रोफेशनल कंसल्टेंट ग्रेड, जिस फॉर्म के लिए आप भर रहे हैं उसका नेम लिखना है। उसके बाद उसको आपको इस पोस्ट पे इस आपको एड्रेस पे भेज देना है। द ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, इस पर भेज देना है। उसके बाद गुजरात गांधीनगर ये एड्रेस दिया गया, फ़ोन नंबर ये दिया गया, आप इससे भी पूछ सकते हैं। ये देखिए वेबसाइट दिया गया है, इसके वेबसाइट पर जाकर क्लिक करके आप लोग अपलोड कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है 25 फरवरी 2022 है। तो ये सारा नोटिफिकेशन था, ठीक है। ये फॉर्म है, देख लीजिए इसमें फॉर्म भी दिया गया है। ये फॉर्म को फिलअप करना है, उसको अच्छे से भर करके उसके बाद पोस्ट करना है, ठीक है, डॉक्यूमेंट अटैच करके। तो बस इतना ही था, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप लोग अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करवा दीजिए, ठीक है। तो बस इतना ही है, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।